गुलबर्गा शहर में जनाब अफान मकसूद अली उर्फ अफान सेठ के फर्जंद अबू बकर ने काफी कम उम्र में मुकम्मल कुरान को हिफ्ज कर लिया है। आज के डिजिटल दौर में जहां हर घर में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग हर कोई मोबाइल फोन की रंगीन दुनिया में मगन है, वहीं कुछ ऐसे घर भी हैं जो अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ मोड़कर अपनी और अपने औलाद की दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने में लगे हैं। इस दौर में जब बात बच्चों की तालीम की आती है तो मालदार पैसे वाले लोग अपने बच्चों को बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवाकर शान महसूस करते हैं और वहीं दीनी मदरसों को किसी गरीब के बच्चों के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसे हालात में अफान सेठ ने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के अलावा मदरसे में कुरान हिफ्ज करवाकर मिसाल कायम की है। अफान मकसूद अली साहब के फर्जंद अबू बकर ने काफी कम वक्त में कुरान को मुकम्मल हिफ्ज कर अपने वालिद का नाम रोशन कर दिया है। गुलबर्गा शहर के अबू हुरैरा मस्जिद में पिछले 1.5 साल से आरजी तौर पर उस्मान बिन अफान ली तहफिजुल कुरान अल करीम नामी मदरसा चल रहा है, जिसमें आज कुल 90 के करीब तुलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। यह मदरसा जनाब मोहम्मद इस्माइल जमाई साहब की सदारत में चल रहा है। इस मदरसे में 6 असातिज़ा मौजूद हैं जो तुलबा और तालिबात को बेहतर तजवीद के साथ अच्छी खिरात की तालीम दे रहे हैं। आज से 1.5 साल पहले ही यह इदारा ओपन हुआ था और महज 6 महीने के दरमियान एक लड़के ने कुरान को हिफ्ज कर लिया था। आज अबू बकर बिन अफान मकसूद अली दूसरे शख्स हैं जिसने इस मदरसे में कुरान को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है। मदरसा उस्मान बिन अफान ली तहफ़ुज़ुल कुरान अल करीम में 10 से 12 साल के तुलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें 2 लड़कों ने कुरान को हिफ्ज कम्प्लीट कर लिया है और आगे और बच्चे कुछ ही महीनों में कुरान हिफ्ज कम्प्लीट करने वाले हैं। अफान मकसूद अली साहब के फर्जंद अबू बकर के कुरान हिफ्ज कम्प्लीट करने पर जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब की सदारत में अबू बकर के लिए तहनीती प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब आरिफ एमएटी, इरफान एमके, खलील सैयद, अब्दुल माजिद प्यारे, मोहम्मद इरफान, मिनाज मेहंदी और दीगर जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदार, मदरसे के तुलबा और तालिबात और उनके वालिदैन और कई लोग यहां मौजूद थे। तमाम मेहमानों ने अफान मकसूद अली साहब के फर्जंद अबू बकर की तारीफ कर मुसलमानों से अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम हासिल कराने की गुजारिश की है। और इस मौके पर मदरसे के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद इस्माइल जमाई साहब ने मदरसे की मुकम्मल डिटेल बताते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ अहम बातें बयां की हैं। मोहम्मद इस्माइल जमाई ने बताया, मस्जिद अबू हुरैरा में ये मदरसा आरजी तौर पर चल रहा है। आने वाले दिनों में एक 3 मंजिला मस्जिद और मदरसा बनाया जाएगा, जिसके लिए 66 लाख रुपये में मालगटी विलेज के करीब एक जमीन खरीदी गई है। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون اے اللہ اس نے مجھے یاد کیا اس نے مجھے اپنے سینے میں بسایا میں اس وقت تک تجھ سے حجت کروں گا جب تک کہ یہ بندہ جنت میں داخل نہ ہو جائے الصیام والقرآن یشفعان للعبد اللہ کے رسول نے کہا روزہ ہو और ये कुरान हो बंदे के हक में अल्लाह के पास हुज्जत बनकर खड़ा हो जाएगा और उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो कुरान उसको जन्नत में दाखिल ना करे। लेकिन ये किसके लिए है? ये उस कुरान मजीद के हाफिज के लिए जो कुरान को याद करता है। और याद रखे, कुरान से बेहतर तुम्हारा दोस्त कोई नहीं हो सकता, कुरान से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। इससे तुम दोस्ती करो, ये अपनी दोस्ती को निभाएगा। ये ऐसा दोस्त है जो न तुम्हें दुनिया में छोड़ेगा, जो न तुम्हें कब्र में छोड़ेगा, जो न तुम्हें हशर में छोड़ेगा, यहाँ तक कि ये दोस्त तुम्हारे दोस्ती को तुम्हारे दोस्ती को जो है जन्नतुल फिरदौस को पहुंचाए। कितना खुश नसीब है बोलो। इस मौके पर मैं मुबारकबाद दूंगा इस मस्जिद के जिम्मेदारान को भी, उन्होंने हमें वक्त दिया, हमारे लिए माहौल फराहम किया मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के लिए, सारी चीज़ें उन्होंने हमें मुहैया की। मैं दुआ करता हूँ हमारे मस्जिद के जिम्मेदारान के हक में, मैं दुआ करता हूँ मस्जिद के तमाम मुसल्लियान के हक में। बच्चे हैं, कभी कोई बच्चा इधर भागता है, कभी एक बच्चा उधर भागता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे मुसल्लियान को लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन वहाँ उन्होंने ये सोच कर बर्दाश्त किया कि बच्चे हाफिज़ कुरान बनने वाले हैं। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया, और ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं है इंशाअल्लाह। यहाँ हमारे जिम्मेदारान मौजूद हैं, यहाँ हमारे जिम्मेदारान मौजूद हैं। इस मौके पर खुल करके अपनी बात, मैं चंद बातें बता करके अपनी बात खत्म कर दूं।
एक साल या डेढ़ साल या दो साल ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस जगह को हमने खरीदा है इस मदरसे की मस्जिद के लिए और बिल्डिंग के लिए, हम इंशाअल्लाह वहाँ पर काम शुरू करेंगे। मैं इस मौके पर अमीर मोहतरम बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब से, अफ़ान भाई से, हमारे इरफान भाई से, जितने लोग बैठे हुए हैं उन तमाम लोगों से मैं खुसूसन गुजारिश करता हूँ, जब हमारा काम शुरू होगा इदारे का, मस्जिद उस्मान बिन अफ़ान का, मदरसे उस्मान बिन अफ़ान का, मैं चाहता हूँ कि काम न रुके। इस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह में लोग आए हुए हैं, मैं उनको बता दूँ इस इदारे में तकरीबन 87 बच्चे हैं, उनमें से इस महफिल में कई बच्चे हैं जिनके 10 पारे से ज्यादा हिफ्ज़ हो चुके हैं। मैं अपने बच्चों से कहूंगा जिनके पारे 10 पारे से ज्यादा हुए वो खड़े हो जाए, जिनके पारे 10 पारे से ज्यादा हुए हैं वो खड़े हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां भी हैं हमारे पास जिनके 10 पारे से ज्यादा हो चुके हैं, एक बच्ची हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 23 पारे कर चुकी है, एक बच्ची 25 पारे कर चुकी है। ये सिर्फ दूसरे साल का रिजल्ट है, जबकि साल का बनाया है ये सिलेबस। एक बच्ची या बच्चा हमारे पास आएगा तो 3.5 साल में हिज करेंगे और 6 महीने में दौड़ करेंगे। लेकिन अल्लाह का ये बेइंतहा शुक्र है, ये असातिज़ा की मेहनत है, आप लोगों की कुर्बानियां हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने पहले पारे से शुरू किया तो आज किसी के 10 पारे, किसी के 12, किसी के 14 पारे हो चुके हैं और किसी के 20 पारे से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें से वो बच्चे भी हैं जो डेली 3 रुकू सुनाते हैं, डेली 4 रुकू सुनाने वाले बच्चे भी हैं, ऊपर भी बच्चियां जो पढ़ती हैं हमारे पास, माशाल्लाह उनका भी यही हाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बड़ी खुशी और मसरत के साथ ये इत्तला दी जा रही है कि आज मदरसा है उस्मान बिन अफ़ान दी तहफ़िज़ुल कुरान से आज जो है अबू बकर बिन अफ़ान मकसूद अली का शोबे हिफ्ज़ जो है आज ख़त्म हुआ है। माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको बरकत दे और हमारे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं अबू बकर को, जिन्होंने आज जो है यहाँ से हिफ्ज़ की जो है सर्टिफिकेट हासिल की है। और इस मदरसा उस्मान बिन अफ़ान जो अबू हुरैरा मस्जिद के अंदर जो है एक 1.5 साल से चल रहा है माशाल्लाह, इससे पहले भी आप खबर देखे होंगे अवाम उन्नास से को ये बात पहुंचाई गई है कि 6 महीने 22 दिन में बच्चा जो है हिफ्ज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो है हमारे अफ़ान भाई के जो फर्जंद हैं अबू बकर, ये भी आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह शोबे हिफ्ज़ में आप मुकम्मिल हुए हैं। मैं इस मदरसे की खसूसियत ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये स्कूल भी पढ़ रहे हैं और मदरसे में भी आ रहे हैं। इसकी मदरसे की खासियत ये है कि सुबह 7 बजे से 1 बजे तक माशाल्लाह यहाँ शोबे हिफ्ज़ में हिफ्ज़ कर रहे हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, और जो है दोपहर के बाद स्कूल जा रहे हैं और स्कूल की भी तालीम कम्प्लीट कर रहे हैं, हिफ्ज़ भी कम्प्लीट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ गूँ कि शेख मोहतरम हमारे इस्माइल साहब जामाई को इसी तरह जो है मज़ीद जो है तरक्की अता फरमाए और उनका जो मिशन है जो मदरसा बनाना है जो बालगत्ती रोड पे जगह ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके मिशन में कामयाब दे, जल्द से जल्द एक बेहतरीन इदारा जो है एक यूनिवर्सिटी के तहत जो है बनाए। और हमारी दुआएं भी साथ हैं और इंशाअल्लाह पूरी जमीयत आपके साथ है। और आखिरी में मैं अफ़ान साहब उनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके घर में अल्लाह खैर व बरकत दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज 24 सितंबर 2023 मस्जिद अबू हुरैरा खमर कॉलोनी में मदरसे उस्मान बिन अफ़ान तहफ़िज़ुल कुरान, जिसमें ये दूसरी तकरीब है, इससे पहले भी आप लोग यहाँ से देखे थे, सिर्फ 6 माह में अबू बकर नामी एक 11 साल का बच्चा सिर्फ 6 माह में जो है ना कुरान को हिफ्ज़ कर कर फारिग हुआ था। आज अल्लाह के फजल व करम से उसी मदरसे से उन्हीं उलमा इकराम के उन्हीं उस्तादों के रहनुमा में अबू बकर बिन अफ़ान मकसूद अली भी आज बड़े ही उम्दा तरीक़े से यहाँ पर तालीम हासिल की और कुरान हिफ्ज़ को फारिग किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पर और इतने बच्चे हैं जो बताया गया है कि 10 पारों से ज़्यादा और कई बच्चे यहाँ पर पढ़ चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो भी इस मदरसे से हाफिज़ कुरान बनने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस मदरसे के खैरख्वाही के लिए हम तमाम लोग साथ रहेंगे। और आम आवाम से भी गुजारिश की जाती है कि मदरसा उस्मान बिन अफ़ान के लिए आप अपने यहाँ से
जो भी अल्लाह ने आपको दिया है ताउन कीजिए और इस मदरसे के लिए अपने बच्चों को शरीक करने की कोशिश कीजिए और इस मदरसे में बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चे की ज़िंदगी को ढाला जाता है, तो लिहाजा आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि आज के इस महफिल के ज़रिए से आपको ये हम इत्तला देते हैं कि इस मदरसे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शरीक कीजिए। इस मदरसे से उस मदरसे के असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हैं, बिलखुसूस इस्माइल शेख के लिए हम दिल की गहराई से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो उन्होंने नेक नियति से काम शुरू किया अल्लाह उसको तकमील तक पहुँचाए। वाखिर दुआ हमद रब्बिल आलमीन। आज अफ़ान जो मेरे भाई हैं उनका लड़का अबू बकर आज से जो है ना हाफिज़ अबू बकर कहलाएगा। आज इस मौके पर मैं अफ़ान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर इसलिए कि आज के इस दौर में लोग जो है ना दुनियावी तालीम के लिए बड़े बड़े मदरसे ढूंढ रहे हैं। ऐसे दौर में भी जो है ना लोग ये समझ रहे हैं कि जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ सकते तो उनको जो ना दीनी मदरसे को भिजाना चाहिए, तो ये बात को जो है ना गलत साबित कर रहे हैं। आज अफ़ान साहब अपने फ़र्जंद को हाफिज़ बनाकर आने वाले लोगों को एक रास्ता बता रहे हैं कि अगर आप पैसे भी कमा रहे हैं बच्चों को अच्छी तालीम दुनियावी दीजिए, साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है। इससे एक सबक मिलता है हम सब लोगों के लिए जो लोग सिर्फ दुनियावी तालीम के बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ ख़ासतौर हमारे अबू बकर को, हमारे भतीजे को, क्योंकि वो बहुत जल्द जो है ना हिफ्स कर लिया, ज़हीन है मौलाना बता रहे थे। और ये मदरसे को भी मुबारकबाद देता हूँ उस्मान बिन अफ़ान मदरसे को, क्योंकि ये लोगों की दिलचस्पी थी कि ये बच्चा जो है ना जल्द हाफिज़ बना और इस मदरसे की तरक्की के लिए दुआ गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मदरसा उस्मान बिन अफ़ान फॉर हिफ्ज़ कुरान, ये जो इदारा यहाँ पर हमारे शेख मोहतरम इस्माइल जामई साहब हफ़ीज़ाल्लाह ने क़ायम किया है मस्जिद अबू रेरा में, एक छोटे मोटे खादिम है इस मस्जिद के, देखते देखते माशाल्लाह आज तादाद इस मदरसे की इतनी बढ़ गई है कि 80 से ज़्यादा तलबा यहाँ पर हिफ्ज़ हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं कुरान मजीद को। ये हमारे लिए ख़ास करके खुशनसीबी की बात है कि हमें शेख के इस मदरसे का और इन बच्चों की खिदमत करने का मौका मिला। हम अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि कोई भी छोटी मोटी भी नेकी अल्लाह ज़ाया नहीं करता। अल्लाह से उम्मीद है कि इन बच्चों की खिदमत की वजह से अल्लाह हमारी मग़फ़रत करे। देखिए, जो कुरान को सीखना और सिखाना सबसे बड़ा नेक अमल है, क्योंकि कुरान वो अज़ीम किताब है जिसको नाजिल करने वाला रब है। जो इस कुरान को लेकर आए वो फ़रिश्तों के सरदार, जिस पर ये नाजिल की गई वो नबियों के सरदार, जिस महीने में नाजिल की गई वो महीना महीनों का सरदार रमज़ान मुबारक, और जिस रात में नाजिल की गई वो रात तमाम रातों की सरदार। इतनी बड़ी किताब है जिसको अल्लाह ने कुरान में चैलेंज भी किया है कि क़यामत तक का वक्त है, तमाम जिन इंस मिल जाओ, इस जैसे ना एक सूरा बना सकते, ना किताब बना सकते, ना एक आयत बना सकते। इतनी अजीम शान किताब है जिसकी खिदमत के लिए माशाल्लाह हमारे शेख मोहतरम पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़े हैं। जमीयत अहले हदीस ख़ास करके अमीर मोहतरम बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब भी उनका ताउन कर रहे हैं, हम भी शेख मोहतरम के साथ हैं। और इस बैठ के ज़रिए मैं शेख को इत्मीनान दिलाता हूँ कि आपका परमानेंट मदरसा क़ायम होने में जितने भी अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द क़ायम हो, अगर काफ़ी देर भी लग रही है, ये मस्जिद शेख मोहतरम की है, जब तक चाहें हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। और हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह इस बच्चों को हाफिज़ बनाए और खैर बरकत दे। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस मौके पर इकट्ठा हुए हैं वो ये कि माहद उस्मान बिन अफ़ान ने तहफ़ीज़ुल कुरान अल करीम जो कि मदरसा हिफ्ज़ का है, इसमें 6 असातिज़े कराम जो है दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो कि 2 उस्ताद मोहतरम हमारे बाजू बैठे हुए हैं, एक अब्दुल हकीम साहब और वसीम कासमी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सारे असातिज़ा मिलकर जो है बहुत ही अच्छे से तालीम दे रहे हैं। इस मदरसे के अंदर कम से कम 87 बच्चे और बच्चियां हैं मिला करके, बच्चियों का भी तालीम हो रहा है, उसके लिए भी 2 असातिज़े कराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों की तादाद के साथ साथ जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, इसमें से पिछले साल इसी नेटवर्क के थ्रू बताया गया था कि 6 महीने 22 दिन में एक बच्चे ने, जिनका नाम अबू बकर है, उन्होंने कुरान को मुकम्मल किया था, और आज भी एक बच्चे ने कुरान को मुकम्मल किया है, उनका नाम भी अबू बकर है। और इसी तरीके से एक बच्चा है जिनके 21 पारे
हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा है जिसका 20 पारा मुकम्मल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी चंद दिनों के अंदर कुरान को मुकम्मल कर लेंगे। और इसी तरीके से और भी बच्चे हैं जो 10 से ज़ायद पारे या इसी तरीके से 9-10 के बीच में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे हैं अक्सर बच्चे 5 से ज़्यादा पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं और कुछ बच्चे हैं जो मुब्तदी हैं, अभी इब्तिदा किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी पिछले साल शुरू हुआ है, 1.5 साल लगभग हुआ है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़े कराम की भी तादाद बढ़ती जा रही है और इसी तरीके से बच्चे भी ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे हैं और पढ़ाई बेहतरीन चल रही है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चे मकामी हैं, आते हैं 7 बजे आते हैं, उसके बाद 1 बजे चले जाते हैं। इस दौरान जो है 6 महीने 22 दिन के अंदर कुरान का हिफ्ज़ करना ये अपने आप में कमाल की बात है। और इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चा, और भी बच्चे हैं जो लाइन में हैं। एक बच्चा 21 पारा कर चुका है, कम से कम इंशाल्लाह 1 से 2 महीने या 3 महीने में उसका भी कुरान मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से एक बच्चा 20 पारा कर चुका है, वो भी इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर कुरान को मुकम्मल कर लेगा। ये इस साल का रिज़ल्ट है। और इसी तरीके से अगले साल भी 2 से 3 बच्चे हिफ्ज़ करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों की तादाद जो है 10 से 11-12 पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं। तो मुसलसल पढ़ाई का जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन है। ये अभी जो है उभरता हुआ मदरसा है, पिछले साल शुरू हुआ है महद उस्मान बिन अफ्फान तहफ़ीज़ुल कुरान करीम के नाम से। जो इस मदरसे के बानी हैं वो शेख इस्माइल जामी हफ़िज़हुल्लाह, इनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। इन्होंने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों को समझाया बतलाया और अभी भी सिखला रहे हैं कि किस तरीके से मदरसा चलाया जाए, मदरसे की तरक्की के लिए क्या किया जाए। उसी के नक्शे कदम पर हम लोग चल रहे हैं, जिसके बिना पर आज ये मदरसा जो है बहुत ही उरूज पर है, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि 1 साल के अंदर एक बच्चे का हाफिज़ हो जाना, फिर आज दूसरे बच्चे का हाफिज़ हो जाना, फिर 2 बच्चे लाइन में हैं, तो ये कमाल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी काविशें हैं, हमारी कोशिशें हैं। एक छोटी मोटी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो निसाब बनाया गया है वो 3 साल का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे 1 से 1.5 साल के अंदर कुरान को हिफ्ज़ कर ले जा रहे हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि बच्चे 24 घंटा पढ़ते हैं, आते हैं सुबह पढ़ते हैं चले जाते हैं, उसके अलावा ट्यूशन वगैरह करते हैं, इंग्लिश मैथ सारी चीज़ें वो भी पढ़ते हैं, उसके अलावा फिर मगरिब में आते हैं, मगरिब तईशा 1.5 घंटे वो याद करते हैं, फिर सुबह जो है सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि असर बाद पढ़ सकते बच्चे, ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ सकते, जहर की नमाज नहीं, ये अपने घर पर जाते हैं वक्त देते हैं। जो असरी तालीम है यानी इंग्लिश वगैरह ये भी स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है। बच्चे मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जमा कर दिया गया है और उसी अंदाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में पढ़ाई हो रही है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस मदरसे का तआवुन करें, इसी तरीके से मदरसे के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन कराएँ, ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छे लोगों के हाथों में हो और आपके बच्चे इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी हासिल करें और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे असातिज़े किराम की सेहत और तंदुरुस्ती को महफूज रखे। इसी तरीके से हमारे जो बानी नाज़िम हैं शेख इस्माइल जामी हफ़िज़हुल्लाह, उनकी सेहत और आफ़ियत को उनको इस दुनिया के अंदर रखे और उनका साया हमारे ऊपर रखे, ताकि हम अच्छे अंदाज में मदरसे को चला सकें। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।